नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का एनालिसिस तो ज़रूर अभी फॉलो कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ अपडेट्स मिलते रहें बढ़िया आर्टिकल्स के बारे में और इनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी लाइफ पर, इस पर भी। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। सऊदी अरेबिया ईरान अमंग सिक्स नेशंस सेट टू जॉइन ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा आप में से, और इसका नाम ही है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिससे मिलकर बनता है एक्रोनिम ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में हमारे पास जो थे टोटल अभी तक 5 मेंबर्स थे ऑफकोर्स जिनका नाम है ब्रिक्स में, एंड इन्होंने ब्रिक्स ने नेशंस ने मिलकर अभी यूनानिमसली मतलब सबकी सहमति से डिसाइड किया कि हम 6 नए कंट्रीज़ को लेंगे ब्रिक्स में। कौन कौन? अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये बनेंगे फुल मेंबर्स। तो इस ब्लॉक में इस वक्त 5 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये नए मेंबर्स इफेक्टिव होंगे, नई मेंबरशिप इफेक्टिव होगी 1 जनवरी 2024 से। और यहाँ पर आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो स्टेप है इससे स्ट्रेंथन होगा कई सारे नेशंस की बिलीफ इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, ये स्टेटमेंट स्ट्रेस कर रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पर। मल्टीपोलर का मतलब किस, और जो वर्ल्ड का जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है बल्कि इसके बहुत सारे पोल्स हैं। मतलब इंडिया भी एक पोल्स में से एक है उनमें से, ब्रिक्स ओवरऑल भी है, और इसके अलावा ऑफ कोर्स यूएस, चाइना और रशिया, ये भी 3 इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल कंट्रीज में से एक है। तो यहाँ पर अब जो दुनिया है वो बाईपोलर या यूनिपोलर नहीं, मल्टीपोलर है, मोदी जी का ये कहना है और ये मैसेज हमारा देना है ब्रिक्स के थ्रू। सो देखते हैं आगे ब्रिक्स में क्या होता है। पूरी दुनिया मुझे लगता है वॉच कर रही होगी इस वक्त, क्योंकि ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके पैरेलली हमने पैरेलल में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका इंडिया पार्ट है, चाइना पार्ट है, रशिया है, अर्जेंटीना है, ये सारी कंट्रीज़ जो इस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं। सो हमें देखना होगा आगे किस तरीके से ये एक्ट करते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पर, AI इफेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अफेक्ट है ये कि एनविडिया ने स्ट्रीट्स को फिर से बीट कर दिया है और उनके CEO का फॉर्चून जो है $46 बिलियन हो चुका है। एनविडिया फिर से नया रिकॉर्ड हाई बना चुका है थर्सडे को। एनविडिया चिप मेकिंग कंपनी है, ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है, तो आपकी कंप्यूटर में, रिमोट में, कार में, हर जगह जो चिप यूज़ होता है एनविडिया ये बनाती है। अमेरिकन कंपनी है, लिस्टेड है US में ही, और दुनिया की मोस्ट वैल्यूड चिप कंपनी है ये इस वक्त। इसके शेयर्स बढ़े 4.8% टू $493.70 न्यूयॉर्क में, जब आफ्टर एनविडिया ने कहा कि उनके जो सेल्स हैं वो $16 बिलियन होंगे इन अबाउट 3 मंथ्स एंडिंग अक्टूबर। एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे 12.5 बिलियन और इन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। और ये जो आउटलुक है ये अंडरस्कोर कर रहा था, ऑफ कोर्स सबको लग रहा था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और इन्होंने सबकी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया। और इसका एक रीज़न है सबसे बड़ा, ये है AI कंप्यूटिंग बूम, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और ज़्यादा बढ़िया हाई परफॉर्मेंस वाले चिप चाहिए, तो इसका डिमांड जो है इसकी वजह से एनविडिया का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा खासा आगे ग्रोथ दिखा सकता है। और आपको भी देखना होगा कि इंडिया में कोई ऐसी कंपनीज है जो AI के ग्रोथ से जिनको डायरेक्टली फ़ायदा हो। अब देखिए, चिप मेकिंग कंपनीज तो इंडिया में हमारे पास है नहीं। इंडियन गवर्नमेंट अभी ज़रूर कोशिश कर रही है कि हम जल्दी से जल्दी कंपनीज इस्टाब्लिश करें इंडिया में भी जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएं, लेकिन क्या ऐसी और कोई कंपनीज हैं जो एंसिलरीज हैं, जो हेल्प करती हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि इंडिया अभी भी AI में कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है भले ही हार्डवेयर से ना दे पाए। तो ज़रूर अगर आपको पता चले तो हमें बताएं। तो क्योंकि जो डिमांड है चैटबॉट्स के लिए स्काई रॉकेट कर रहा है, और दूसरे टूल्स के लिए जो AI से रिलेटेड है, जो AI जिसे इन्हांस कर रहा है, इसकी वजह से ऐसी कंपनीज जो एनविडिया, जो जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और उनका ये कहना है कि अब ये नया एरा शुरू हो गया है कंप्यूटिंग का, और इस नए एरा में
चैट जीपीटी स्टाइल जनरेटिव एआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं आगे, और इसीलिए इनके जो चिप्स हैं इनका डिमांड आगे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से एनवीडिया परफॉर्म करता है और बाकी दूसरी कंपनी जो एआई में हैं वो कैसे आगे सर्वाइव करती है इसके अगेंस्ट। आते हैं अगले आर्टिकल पर। गवर्नमेंट ने अभी एक नया रेगुलेशन निकाला था डॉक्टर्स के लिए, जिसे अभी होल्ड पर डाल दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको यूजुअली मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, लिख कर देते हैं कि आपको ये मेडिसिन खाना है, जैसे कि ब्रूफेन, राइट, अगर आपका सर दर्द होता है यूजुअली कभी, या कोई और इशू हो, कोई भी दवाई हो, कभी एंटीबायोटिक्स चाहिए, तो एंटीबायोटिक्स नहीं लिखते, वो दवाई का नाम लिख कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा था नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू कि आप डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रांड नेम की जगह पे सिर्फ जो जेनरिक मॉलिक्यूल नेम है वो लिख कर देंगे। तो इसका मतलब अगर मुझे आपको कोई टैबलेट लिख कर देना है तो मैं यहाँ पर आपको पारासीटामोल लिख कर दूंगा या निमोसलाइड लिख कर दूंगा, ना कि दवाई का नाम लिख के दूंगा कंपनी का और उस दवाई का। तो इस नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ने ये रूल लॉन्च किया था और अब इस पे हॉल्ड लगा दिया है इन्होंने। उनका ये कहना है कि इट विल रिमेन इनऑपरेटिव एंड इनइफेक्टिव अंटिल फर्दर गैजेटी नोटिफिकेशन। इंडियन एनएमसी जो गवर्नमेंट बॉडी है वो रेगुलेट करती है मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेशनल्स को, ठीक है, और ये रेगुलेशंस ये लेकर आए थे 2 अगस्त को, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा अप्रोर हो गया था, डॉक्टर्स के बीच भी और कंपनीज के बीच भी। जो फार्मा इंडस्ट्री लॉबी थी उनका ये कहना था कि जो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स है वो इशू हो सकते हैं अगर डॉक्टर जो हैं वो ब्रांडेड जेनरिक्स नहीं सजेस्ट करें, मतलब कि ब्रांडेड कंपनी के मेडिसिन अगर नहीं सजेस्ट करेंगे तो क्वालिटी इशू होने लग जाएगा, क्योंकि जो ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, या फिर आप कह सकते हैं शायद इतनी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन ना बना रही हो, उनके दवाइयाँ भी ज़्यादा बिकने लगेगी और शायद लोगों को मेडिकल स्टोर वाले वो दवाइयाँ ज़्यादा देने लग जाएंगे, तो इससे ये बहुत ही बड़ा एक इशू क्रिएट हो सकता है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग अप्रॉक्सीमेट 400,000 डॉक्टर्स, उन्होंने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया है इस पर कि डायरेक्टली पेशेंट के केयर और सेफ्टी को अफेक्ट करता है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली चाहती है कि वो जेनरिक ड्रग्स को इम्प्लीमेंट करे तो ब्रांडेड ड्रग्स को वो लाइसेंस ही क्यों कर रही है। देखिए इस तरीके की ये चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई और इसके बाद अब इसे हटा दिया गया, होल्ड पे डाल दिया गया। तो अभी हमें देखना होगा कि आगे यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अगर ये रूल वापस आता है तो इससे जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनकी सेल्स पर ज़रूर फर्क पड़ेगा। तो ज़रूर आगे वॉच करते रहिए इस सिचुएशन को। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को। धन्यवाद।